एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने तामझाम के साथ दो सेट में अपना नामांकन भरा। एक सेट में नामांकन निर्दलीय और दूसरा सेट एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर था। बाद में ऐलान कर दिया कि एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। अब में हुआ ये कि एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बीजेपी और एनसीपी दोनों दलों के नेता पहुंचे। अलग अलग दोनों से नवाब मलिक पर सवाल हुआ। पहले एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार का जवाब देखिए। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा, दिन जो दिन विड्रॉल का है वो खत्म होगा, तब आपका आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। रास्ता निकालेंगे मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलूं? अब सवाल ये है कि क्या अजीत पवार ने बीजेपी को अंधेरे में रखकर नवाब मलिक को सिंबल दे दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध मीटिंग में तो किया ही था, कैमरे पर आकर भी विरोध जताया था। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। 22 अक्टूबर को ही आशीष शेलार ने नवाब मलिक का विरोध किया था। अब जब एनसीपी ने टिकट दे दिया है, उम्मीदवार बना दिया है, तब बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये जानने के लिए शिखर सम्मेलन में हमने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने नवाब मलिक का सवाल रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह कहा था कि नवाब मलिक इनको आप टिकट मत दीजिए, अलायंस में हम उनका काम नहीं करेंगे, बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने जब स्टैंड साफ कर दिया, तब हमने नवाब मलिक से संपर्क किया। नवाब मलिक कहते हैं कि कोई विरोध करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनके साथ है। कोई भी विरोध करे, बीजेपी विरोध करे, सिंधे सेना विरोध करे, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या है नवाब मलिक में कि बीजेपी उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रही है और एनसीपी पक्ष में खड़ी है। असल में बीजेपी नवाब मलिक पर टेरर फंडिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाती रही है। बीजेपी का आरोप है कि डी कंपनी की मदद से नवाब ने करोड़ों की जमीन हड़पी। दाऊद की बहन से पैसों के लेन देन का आरोप है। डी कंपनी की मदद से जमीन को हड़पने के आरोप को लेकर ही नवाब मलिक को फरवरी 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था, तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और नवाब मलिक उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे। तब बीजेपी ने ही नवाब मलिक के इस्तीफे की मुहिम चलाई थी, लेकिन नवाब मलिक ने गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था। 17 महीने जेल में बंद रहने के बाद नवाब मलिक इसी साल अगस्त महीने में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और अभी जिस अणुशक्ति नगर की सीट से वो विधायक हैं, उस सीट से अजीत पवार की एनसीपी ने सना मलिक को टिकट दिया है, जो नवाब मलिक की बेटी है। बेटी सना मलिक पिता नवाब की सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो नवाब मलिक सीट बदलकर मानखुर्द शिवाजी नगर पहुंच गए हैं, जहां से कभी उनके साथी रहे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट अबू आजमी का अभेद्य किला है और उन्हें हराने के लिए एनडीए को एक मजबूत योद्धा चाहिए। अजीत पवार ने नवाब मलिक को उसी मिशन के लिए आगे किया है। हालांकि इस सीट पर शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार भी है। मतलब एक सीट पर एनडीए के दो उम्मीदवार होने की वजह से गठबंधन के कार्यकर्ता कंफ्यूज है, लिहाजा अजीत पवार ने नवाब मलिक पर दाव लगाया है। अब नवाब की दबाव की सियासत क्या रंग लाती है, इस सीट से कौन पीछे हटता है और कौन बना रहता है, ये देखना होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.